दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक गेमिंग एलसीडी के बारे में, जो 27 इंची की एलईडी है वो आने वाली है और किस टाइप का लुक है, क्या है गेमिंग सीरीज के जो बच्चे हैं या आप खुद जो गेमिंग सीरीज के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए यूज में लेने वाले हो तो किस टाइप की एलसीडी है, क्या रिव्यू है, अंदर क्या क्या मिलने वाला है, सारा इस वीडियो के अंदर है, वो स्टेप बाई स्टेप वो बात करने वाले हैं। 27 इंच की ये एलईडी है, गेमिंग मॉनिटर है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपको दिखाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर आपको एक मिलने वाला है डीपी पोर्ट और ये इसका स्टैंड है, स्टैंड भी मेटल का है, प्लास्टिक के अंदर स्टैंड है वो नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है वो स्टैंड आपको मिलने वाला है। ये पावर कोड है और एक इसका चार्जर है। अब मेन बात आती है एलसीडी की, एलसीडी कैसी निकलने वाली है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस टाइप की एलसीडी है और इसके अंदर सपोर्ट कौन कौन से मिलते हैं वो आपको दिखा दूँ। देखो एक तो यूएसबी है, ऑक्स है, डीपी है और एचडीएमआई है, वीजे पोर्ट इसके अंदर है वो नहीं है। लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लुक है। ये देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर के साथ में आपको कुछ चमकीला सा कुछ दिखता हो, जो चमक कर रहा हो, बहुत ही शानदार लुक है वो देने वाला है, वाइट कलर के अंदर है और पूरी की पूरी है वो ब्रेजलेस डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रेज नहीं दिखाई देगा, पूरी की पूरी है वो स्क्रीन ही है। तो अब मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ स्टैंड विस्टैंड लगा के और आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप की क्वालिटी है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टैंड विस्टैंड इसका क्लियर लगाते हैं। एक ऐसा है वो बॉक्स के अंदर आता है, पूरे नट कसने के बाद में आपको सिंपली इसको है वो इस तरीके से यहाँ पे फिट करना है, देखिए बस ठीक है ये फिट हो गया। अब इसको क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको स्टैंड के अंदर है वो फिट करना है। इसके लिए भी यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, इसको हम लोग पहले खोलेंगे, ये इसमें फिट आएगी और उसके बाद में यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे ये स्क्रू है वो कस देंगे। तो ये अपनी एलसीडी है वो बनके रेडी होगी, इसको अपने अप डाउन जैसे कर सकते हैं वैसे करने वाले हैं। अब मैं इसको आपको एक बार है वो प्रॉपर चारों साइड से घुमा फिरा के एलसीडी है वो चेक करवा देता हूँ। एक बार मैं चारों तरफ से आपको एलसीडी है वो अच्छे तरीके से दिखा दूँ, पीछे का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से है वो मिलने वाला है, ये देखिए ठीक है। आगे का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से वो मिलने वाला है, ये देखिए ठीक है, और बहुत ही शानदार आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन है, कोई भी ब्रेज नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा ब्रेजलेस है और पतली कितनी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरी इस एक अंगुली के बराबर है, बहुत ही स्लिम है। ये देखिए मेरा अंगुली का जो हिस्सा है उसके बराबर है वो इसकी थिंकनेस है यहाँ की। तो चलिए अब इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए मैंने इसको लैपटॉप से कनेक्ट किया है, आप इसका रेजुलेशन और जो पिक्सल है दोनों साइड से मैं आपको घुमा के भी दिखाता हूँ। देखिए इस एंगल से आप मैं देख रहे हैं और थोड़ा सा क्या वहाँ पे गेट है उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क हो, बाकी देखने में प्रॉपर मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और यही कि ये सेम स्क्रीन आपको लैपटॉप में दिखा दूँ तो आप कंपैरिजन कर लो दोनों से कि ज़्यादा बेटर कौन से, दोनों की सामने रख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए ये एक तो लैपटॉप की है और एक है वो अपनी स्क्रीन की है। अब वीडियो चला के देखते हैं क्या क्वालिटी मिलने वाली है आपको। अब देखो मैंने एक वीडियो प्ले किया है ठीक है, वो सेम का सेम वीडियो लैपटॉप के अंदर है और सेम ही जो वीडियो है वो स्क्रीन के अंदर है, तो दोनों की आप स्क्रीन से कंपैरिजन कर सकते हो क्वालिटी से। ये भी आईपीएस पैनल के अंदर है जबकि ये जो एलईडी आती है वो वीए पैनल के अंदर आती है, फुल एचडी के अंदर आईपीएस पैनल नहीं है बट गेमिंग है, बट क्वालिटी आईपीएस पैनल के बराबर ही है। आप कोई से भी एंगल से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी फर्क है वो नज़र नहीं आएगा, देखिए ठीक है। इस साइड के एंगल से भी मैं आपको दिखा दूँ तो आपको सेम क्वालिटी है वो मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी है। और बाकी आपको ख़रीदना हो तो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं।
तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और ऐसे ही अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लें। धन्यवाद।